आपके साथ हर्षिता तोमर। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। रामविलास की लोक जनशक्ति पार्टी का पूर्णिया में जिला स्तरीय बैठक आरएन शाह चौक स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित किया गया, जहां जिला स्तरीय पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश से आए हुए इंदिरा जी, पंचायती राज प्रदेश अध्यक्ष शोभा सिन्हा पासवान, SCST प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव एवं बिहार विधान महासचिव संजय पासवान के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया, जहां जिला अध्यक्ष के तौर पर सौरभ झा, वहीं महिला जिला अध्यक्ष कल्पना देवी समेत पंचायती राज जिला अध्यक्ष पद के लिए अलग अलग लोगों को मनोनयन पत्र सौंपा गया है। इस बाबत प्रधान महासचिव ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष राज तिवारी के निर्देश पर सभी जिलों में जिला कमेटी का विस्तार किया जा रहा है, जो लोक जनशक्ति पार्टी को विस्तार करने के साथ साथ मजबूती भी प्रदान करेगा। शक्ति पार्टी राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी और प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी के निर्देश पर पार्टी के सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष बिहार भ्रमण पर है, विभिन्न जिलों में जाकर अपने जिला अध्यक्षों को मनोनयन पत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में आज पूर्णिया कटिहार करके हम लोग आए हैं। पूर्णिया में हमारे साथ अति पंचायती राज के प्रदेश अध्यक्ष इंदिरा जी हैं, जो पूर्व जिला परिषद चेयरमैन बेगूसराय की रही हैं। शोभा सिन्हा पासवान जी हैं, ये भी महिला सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये भी चेयरमैन रही हैं। और परशुराम पासवान जी SC ST प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम पार्टी के प्रधान महासचिव हैं। तो इसी क्रम में प्रधान महासचिव भी बनाना था, सौरभ जी को भी जिलाध्यक्ष की मनोनयन पत्र देना था। आज सब लोग ये लोग मनोनयन पत्र अपने अपने जिलाध्यक्ष को दिए हैं। पार्टी को बूथ स्तर तक ले जाने का संकल्प हमारा है, मिशन 24 और 25 है हमारा। इसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का हम लोग पालन कर रहे हैं और लगातार सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष जिला में घूम रहे हैं। जिला में मजबूती को लेकर क्या आगे का रणनीति है? जिला में मजबूती को लेकर ये है कि हम लोग ने जिला में प्रभारी नियुक्त किया है, प्रदेश से प्रदेश उपाध्यक्ष भी दो जिले के प्रभारी होंगे और एक महासचिव भी हमारे जिले के प्रभारी होंगे। और संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने के लिए लगातार जिलाध्यक्ष के माध्यम से, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के माध्यम से लगातार बैठकें होंगी। और हमारे नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट मिशन को कामयाब बनाने के लिए विभिन्न मुद्दों को लेकर सड़क पर लगातार आज उतरकर, अभी देखिए बक्सर में कल 6 लोगों की मृत्यु हो गई जहरीली शराब से, 30 तारीख को आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बक्सर जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, लोगों के मूल समस्याओं को लेकर हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं और पार्टी बड़ी होगी। RRB और NTPC मामले को लेकर छात्रों का आंदोलन चल रहा है। देखिए बिहार की सरकार तो किसी भी आंदोलनकारियों को छोड़ा नहीं है, चाहे वो दरोगा अभ्यर्थी हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे BSSC अभ्यर्थी हो, चाहे RRB हो, अभी कोचिंग संचालक को जाके पकड़ के मारपीट रहा है, उसके संचालक को बंद कर रहा है, धक्का मार के राइफल के कुंधा से हॉस्टल में घुसकर उस पर छात्र पर प्रहार कर रहा है। ये तो नीतीश कुमार किसी को नहीं छोड़े हैं। RRB और NTPC छात्रों को हम लोग समर्थन करते हैं, मेरी पार्टी पूरी तरह समर्थन करती है, लेकिन अहिंसक नहीं हो ये आंदोलन हम अपील भी करना चाहते हैं। कोविड को लेकर सरकार कई तरह के प्रचार प्रसार भी कर रही है, साथ में आप लोग भी सहयोग कर रहे हैं उन चीजों को बचाव में, उस इन परिस्थिति में आपका कार्यक्रम हर जिला। इस अंक में फिलहाल इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारी होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।